सबसे पहले एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी ले लेना है, उसके बाद हम डाल देते हैं न्यूट्रीबेरी। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी थोड़ा बना रहा हूँ, जब दुकान में के लिए ले जाता हूँ तो ज़्यादा डालने के बाद इसको 10 मिनट तक अच्छे से ये भीग जाए, उसके बाद हम इसको मिक्सी में ले जाएंगे। तो न्यूट्रीबेरी को भीगते तक हम लोग इस वाला प्रोसेस को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि इसको भी बारीक काटना भी है। ठीक है साथियों, देख रहा हो शिमला मिर्च और गाजर और पत्ता गोभी और प्याज और हरा मिर्च हम तीनों को काट लिए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं मिक्सी की तरफ, क्योंकि मिक्सी में हमें न्यूट्रीबेरी को पीसना है। तो हम लोग न्यूट्रीबेरी को भी मिक्सी में पीस लिए हैं। अब हमारा सामान हो गया है रेडी, अब हम इसको बनाने चलते हैं। तेल और हरी मिर्च एक साथ डाल दिए हैं, अब डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को थोड़ा जलने दें। हमारा प्याज हो गया है, अब हम डाल देते हैं इसमें शिमला मिर्च। अच्छा तरीका से चलाना है। अब थोड़ा इसको भी थोड़ा भूनने दे, शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च हो गया हमारा, अब हम डाल देते हैं पत्ता गोभी को और गाजर को, दोनों को डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं न्यूट्रीबेरी को। अब इसको अच्छी तरीके से चलाना है, देख रहे हो। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और सोया सॉस। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला, इसको अच्छा तरीके से चलाना है। ये हमारा बनेगा मंचूरियन मोमोस। अब इसको निकाल देते हैं प्लेट में। तो देख रहे हो हमारा फिलिंग कितना ज़बरदस्त है। अब हम मैदा गूंथते हैं और फिर उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें डाल दिए हैं तेल और नमक।
हम इसको अच्छी तरह से सान कर दिखाते हैं। देख लीजिए साथियों, इतना तार रखना है, इससे ज़्यादा नरम नहीं करना है, इतना टाइट करना है। और फिर 10 मिनट के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो साथियों, फाइनली हमारा मैदा 10 मिनट हो गया है गुदा कर। अब हम इसको छोटे छोटे लोई कर देते हैं। देख रहे हो साथियों, हम लोग गोल कर लिए हैं, अब बेलना स्टार्ट। तो हम इसको सभी को बेल रहे हैं आस्ता आस्ता। तो देख रहे हो साथियों, हमने छोटा छोटा सभी को बेल लिए हैं। बेलने के बाद हम अब इसमें डालेंगे फिलिंग को। तो किनारे किनारे अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि निकले ना। देख रहे हो साथियों, इसका डिजाइन कैसे है। हमने बना लिया है एक प्लेट मोमोस। अब हम इसको आपको पकाकर दिखाते हैं। तो हमने बर्तन में हल्का सा तेल डाल दिया है तरी सभी तरफ। अब हम इसमें का मोमो को रखते हैं और फिर इसको पकाते हैं। हमारा बनेगा मंचूरियन मोमोस, जो बहुत ही सुंदर बने हैं। आप भी घर में बनाएं, दुकान में ले जाएं, दुकान खोलें और अच्छा खासा पैसा कमाएं। हमारा वीडियो देखें, हम हर प्रकार के वीडियो बनाएंगे कुकिंग वाला। ये रहा हमारा मोमोस, हम अब इसको पकाते हैं। तो हमने एक बर्तन में ले लिया है पानी, थोड़ा सा पानी रख देते हैं, उसके बाद मोमोस को पका देते हैं। देखिए साथियों, कैसा हमारा मोमोस तैयार हो गया है। देखिए अब इसको खाने के लिए रेडी हो जाए।